बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एंड द व्लॉग। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी मौजूद हूँ और मैं इस व्लॉग में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा विज़िट करवाऊँगा और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से इन्फॉर्म करूँगा आपको, और कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मुनासिब हो और लिमिटेड टाइम में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं आपसे यूनिवर्सिटी के टूर में। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है और जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल ही सामने जो आपको पहली बिल्डिंग नज़र आएगी, इसे साइंस बिल्डिंग कहा जाता है। इस बिल्डिंग में डिफरेंट ऑफिसेज हैं और मेनली इस बिल्डिंग में इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स को डील करने के लिए के हवाले से भी ऑफिस इसी बिल्डिंग में मौजूद है और ये इस यूनिवर्सिटी की एक मेन बिल्डिंग है। इसी तरह की यहाँ पर एक और बिल्डिंग है जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है और वो भी एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इस तरफ जो है वो हॉस्टल हैं चाइनीज स्टूडेंट्स के, इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इसका नंबर 6 है, तो इसी तरह से यहाँ पर चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए डॉर्मेटरीज और हॉस्टल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। कुछ ही दिनों में इस यूनिवर्सिटी में ओवरऑल चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी, जिसके बायस आपको स्टूडेंट फ़िलहाल बहुत कम नज़र आएंगे।
जी बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं। जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये एक सर्कुलर शेप बिल्डिंग है और 2008 में बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे और ओलंपिक्स की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो कुछ इस बिल्डिंग इस यूनिवर्सिटी में भी हुई थी और उस वक्त इस बिल्डिंग को बनाया गया था। यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स ओलंपिक्स से रेलिवेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे और जिस तरह से आप जानते हैं कि इस साल फरवरी में फिर से विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो चाइना में हो रहे हैं जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट होंगे। अच्छा जी, ये सामने जो बिल्डिंग है इसका नाम अर्बन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, लेकिन ये इस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स एक ही बिल्डिंग में मौजूद हैं, जिसमें से फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर सिविल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन ये इस बिल्डिंग में मौजूद है। इसका नाम अर्बन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और इससे थोड़ा सा आप आगे आए तो बिल्कुल इसके साथ जो बिल्डिंग है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्डिंग है और इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग है ये आर्ट एंड डिज़ाइन बिल्डिंग है और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन इस बिल्डिंग में इसी बिल्डिंग में ये जो रास्ता है ये यहाँ पर एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट म्यूज़ियम को लिंक करता है जो कि कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का पार्ट है। यहाँ पर म्यूज़ियम को विज़िट किया जा सकता है, लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब छुट्टियाँ हो रही हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ये म्यूज़ियम जो है ये फ़िलहाल एक्टिव नहीं, इसमें एंटर नहीं हो जा सकता। इसी बिल्डिंग के ऑपोजिट जो है वो फुटबॉल स्टेडियम अवेलेबल है जहाँ पे रनिंग कोर्ट भी है और यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। इस यूनिवर्सिटी का लिंक है डबलिन कॉलेज जो आयरलैंड में है उसके साथ, एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। तो ये जो बिल्डिंग है जो कि नंबर 40 की बिल्डिंग कहलाती है, यहाँ पर कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन मौजूद है और ये इसके यहाँ से एंट्रेंस है BDIC बीजिंग डबल इंटरनेशनल कॉलेज और अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। अच्छा जी, ये जो है फैकल्टी ऑफ साइंस, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स। और यहाँ पर इनकी डिटेल है कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी का मेन ऑडिटोरियम है और ये भी फिलहाल बंद है।
अब हम एंटर हो रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, और ये लाइब्रेरी जो है वो नई बनाई गई है। 2 साल के अरसे में इसको कंप्लीट किया गया और बहुत ही ह्यूज लाइब्रेरी है। बेसिकली ऑलरेडी लाइब्रेरी यहाँ पर एक अवेलेबल थी और उस लाइब्रेरी को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं समय टाइम में आपको थोड़ा सा इसका विज़िट करवा सकूँ। इसके काफ़ी सेक्शंस हैं। एक पूरा दिन आपको चाहिए इस लाइब्रेरी को विज़िट करने के लिए, इसके सेक्शंस को देखने के लिए, इसमें अवेलेबल बुक्स को पढ़ने के लिए। पढ़ने में तो खैर आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सेक्शन देखना चाहें कि बुक देखने सेक्शन अवेलेबल हैं। अभी आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा आपको टूर है कि आपको इनिशियली थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के एस्थेटिक्स हैं, किस तरह की स्मूथनेस है इस लाइब्रेरी के अंदर। और अगर इस तरह का माहौल हो तो लोग प्रेफर भी करेंगे यहाँ पर आके पढ़ना, यहाँ टाइम गुजारना और मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करने में उनको बेनिफिट भी होगा। एनवायरनमेंट जो है वो आपको जैसे पता है कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये डिफरेंट सेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में जो बुक्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ में अवेलेबल हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए भी यहाँ सेक्शन अवेलेबल हैं। ऑल्दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक्स यहाँ पर उस तादाद में तो मौजूद नहीं है जिस तादाद में चाइनीज़ लैंग्वेज की बुक्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको अलाइन किया गया है। और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, ये जो डिपार्टमेंट है ये इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट कॉलेज बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग ओपन है। बस मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवा दूँ। बिल्डिंग है जिसको स्टूडेंट सर्विस बिल्डिंग कहा जाता है, और इसके ग्राउंड फ्लोर पे कैंटीन है चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के नीचे जो है वो मुस्लिम कैंटीन है जहाँ पे आपको हलाल फूड अवेलेबल है। मैं आपको थोड़ा सा उस कैंटीन को कैंटीन है मेरी यूनिवर्सिटी में, और बहुत ही बेहतरीन कैंटीन है।
जी ये जो कैंटीन मैंने आपको दिखाई थी पहले वो डाउन फ्लोर पे थी, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे अवेलेबल थी, और ये ऊपर वाले फ्लोर पे अवेलेबल है। और यहाँ का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा फर्क है। स्टूडेंट्स अभी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको थोड़ी सी फट लगी होगी। लिमिटेड टाइम में मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। आज की वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई या पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कमेंट्स देंगे तो उससे मुझे और इंफॉर्मेशन मिलेगी किस तरह से मैं मज़ीद इस वीडियो को बेहतर कर सकता हूँ या इस वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। तो कोशिश करूँगा जिस तरह से वीडियोस बनाता रहूँ और उस तरह से इनको बहुत बेहतर करता रहूँ। आपके कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे इस हवाले से, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।